नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम दिखाने वाले हैं कि राम जन्मभूमि के आसपास क्या क्या कार्य हो रहे हैं, उसको हम बाइक के माध्यम से दिखाएंगे। और अभी हम उपस्थित हैं कनक भवन के दक्षिण गेट के तरफ, और सामने आप जो पीली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कनक भवन का दक्षिण गेट है, और जो मेन गेट है वो सामने से जाके बाएं हाथ में है। और ये सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं, रत्न गद्दी सिंहासन मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ से हम चलेंगे सीधा टेढ़ी बाजार, और जो कि ये रास्ता जन्मभूमि के बॉर्डर के सटा हुआ है, ये सब बॉर्डर से ही जन्मभूमि से सटे हुए हैं, और ये एरिया काफ़ी संवेदनशील एरिया है, और यहाँ पे पहरेदारी या पुलिस की पहरेदारी बहुत ज़्यादा है, और हम उसको भी दिखाएंगे। दोस्तों, अभी हमें खुद नहीं पता कि यहाँ क्या क्या कार्य हो रहे हैं, और चलिए देखते हैं, आपको दिखाते ले चलेंगे कि क्या क्या कार्य हो रहे हैं। और ये यहाँ का व्यू है, और आप कनक भवन से इधर के साइड आएंगे तो ये रास्ता देखने को मिलेगा। इधर से आप निकल जाएंगे झुनकी घाट और असपी भवन चौराहा, और हम सीधे चलते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे छोटी माता की, देवकाली माता का रास्ता बंद है। लग गया। और यहाँ पे देखिए अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक, मतलब अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, ये देखिए। और ये मंदिर बगल में एक बन रहा है जो कि साउथ स्ट्रक्चर में बन रहा है, जो कि विष्णु जी का एक मंदिर बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए MVVNL LNT करा रही है ये, और गहरी खुदाई का कार्य प्रगति पर है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है अंडरग्राउंड बिजलीकरण का। और चलिए हम आगे चलते हैं, और इधर भी देखिए कार्य हो रहे हैं, ये रास्ता पूरी तरह बंद है। और ये सामने लोधी मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। और इधर जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वेद मंदिर है, वेद मंदिर। और अब हम आ गए हैं राम जन्मभूमि बाउंड्री के बगल, और ये सब जो आप देख रहे हैं बाउंड्री है श्री राम जन्मभूमि। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पहरेदारी है, और काफ़ी संवेदनशील एरिया है ये सब, यहाँ पे बहुत कम ही लोग आते हैं। और ये सब देख रहे हैं, ये केबल है जो अंडरग्राउंड राम जन्मभूमि परिसर में पूरी चारों तरफ बिछाई जा रही है, अंडरग्राउंड केबल। और ये सब देख रहे हैं ये सब, और अभी आ गए हैं कटरा चौराहा, यहाँ से हम बाएं घूमेंगे, और हमारे दाएं साइड में ही जन्मभूमि का परिसर बाउंड्री है, उसके बाद ये सब घर मकान और मंदिर हैं। आगे चल के दिखाएंगे बाउंड्री, वहाँ से भी शुरू होती है, और इस रोड का भी चौड़ीकरण होना है। अभी जो नालियों का काम है, जो अंडरग्राउंड केबल का काम है, वो सब हो रहे हैं, और ये अभी नालियों का काम हो रहा है, और इधर अंडरग्राउंड केबल पड़ चुके हैं।
रास्ते से आप उदया चौराहा निकल जाएंगे और यहाँ से हम निकलेंगे टेढ़ी बाजार सीधा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटे मोटे जो केबल है, ये 11,000 वाट वाली केबल है। और यहाँ पे देखिए ये जो हो रहा है, ये नाली का काम हो रहा है जो लगभग 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा वो उसका कार हो रहा है नालियों का। और इस साइड का काम हो गया है, जो नाली बनना था वो भी हो गया है और इस साइड बन रहा है। और ये राम जन्मभूमि परिसर का बाउंड्री है जो आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं चारों तरफ कार हो रहे हैं और काफी तेजी से कार हैं। ये सब राम जन्मभूमि L&T कंपनी करा रही है। राम जन्मभूमि में जो कंपनी आई है L&T, वो ही करा रही है इन सभी कार्यों को, क्योंकि ये श्री राम जन्मभूमि से सटे हुए क्षेत्र हैं जो उनके बाउंड्री के रेंज में आते हैं। उनके चारों तरफ जितने हैं वहाँ पे नालियों और जो अंडरग्राउंड केबल है उसको बिछाया जा रहा है। ये देखिए केबल है, बड़े बड़े हैवी मोटे मोटे केबल हैं। और कुछ यहाँ का नज़ारा है, ये राम जन्मभूमि के जो गर्भगृह है उसके पीछे का क्षेत्र है। इधर आप जाएंगे इस तरफ तो आपको सरयू नदी देखने को मिलेगा और इस तरफ आएंगे तो आपको अयोध्या का जन्मभूमि हनुमानगढ़ी और कनक भवन देखने को मिलेगा इस रोड के बाउंड्री से। इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो रोड यहाँ का निर्माण कार्य हो रहा है दोस्तों, इसलिए रोड कहीं ऊंची नीची है, इसलिए थोड़ा गाड़ी में आवाज़ आ रही होगी, चलिए हम क्षमा चाहते हैं। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं और हम पहुँच गए हैं टेढ़ी बाजार। साथियों यहीं से ही एक ओवर ब्रिज बनना है जो सीधे श्री राम जन्मभूमि जाएगी। उसका बजट पास हो गया है और उसका कार्य शुरू होना बाकी है। अब ये नहीं पता चल रहा है क्या ये चुनाव के पहले होगा या चुनाव के बाद। और अभी हम आ गए हैं टेढ़ी बाजार चौराहा और यहाँ से दाएं साइड फैजाबाद अयोध्या कैंट निकल जाएंगे और इधर हनुमानगढ़ी सीधे सामने जो रास्ता देख रहे हैं ये, यहाँ से आप निकल जाएंगे अयोध्या लखनऊ गोरखपुर हाईवे, ये रास्ता। और वीडियो समाप्त करते हैं साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय सियाराम जी की।